नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा के बारे में सुना होगा, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी पर्सनैलिटी के सामने आके ये बयान देने की डेरा सच्चा सौदा में ये गलत होता था। तो डेरा सच्चा सौदा का कोई भी अनुयायी जो कि 30-35 सालों से जाता था मीडिया चैनल पे जाके उसने ये नहीं किया, कहा कि मेरे साथ कुछ गलत होता था। तो आखिर क्यों मीडिया ने आखिर ऐसा गंद क्यों फैलाया गया? क्यों नहीं सोचा गया कि उनसे पूछा जाए जो डेरा जाते हैं, उनसे पूछा जाए जो वहाँ पर रहते हैं, उनसे पूछा जाए जो छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर। धन सर, क्या नाम है सर? रेशम सिंह का सर। सर, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? मैं 95 का सर। सर 95 साल, मतलब सर 95 से आप जुड़े हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया। क्या आपने कुछ ऐसा देखा है जो कि मीडिया में दिखाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जी। जो असं देखा सच चंगी सेध देखी है जी। जैसे आपकी जिंदगी दे लई असीं पहला बहुत सुराव जाने गलत काम के नशियां दे विच पए होए सी, पर जदों असीं गुरु जी दे सानूं साध संगत ने उत्थे लिजाया गया, सानूं जो गुरु जी नामदान दिंदे आ सानूं गुरमंत्र दिता गया सी, जाप किया, तां असीं बिल्कुल नशे छोड़ के पहली बात होई आ, हमारी जिंदगी दा सुधार होया। उस तो बाद गुरु जी ने जो सेवा वास्ते रुख लगाना, कितने कितने पौधे साध संगत एक दिन में लखों हजारों पौधा लगाउंदी है, जो पौधा है वह अपनी जिंदगी दे नाल मेल है। जो लक्कड़ है ये अपनों मरन वेले भी चाहिए है, जीवन तो लैके आक्सीजन मिलती है, जो आप मर जाने उदों भी कम आती है। ये बहुत बड़ा खूनदान के कैंप जिमें अपने मरीज हुण करोना महामारी आई उहदे विच संगत ने कैंप ला के हजारां यूनिट मरीजों को बचाने वास्ते खूनदान किया, जो कुछ होया साढ़े गुरु जी की रहमत के अनुसार ही होया। सर, गुरु जी ने वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां फंसी हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या किया? उन्होंने क्या रहे नौजवानों को प्रेरित करी, क्यों उन्होंने अपनी बेटी बना के उसको पहले बेटी बनाया, नौजवान से जे जेड़े उन्होंने गुरु जी का वचन मनिया, जो कहा उन्होंने नाल शादी करवाई, उन्होंने जो जिंदगी है जिवें आप आम लोग इज्जत नाल रहन दी उन्होंने कबर दिती, वो गुरु जी दे सदके ही मिली है। सर, आज गुरु जी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या जो प्रभाव है समाज के ऊपर पड़ रहे हैं गुरु जी के ना होने के? नहीं, कोई जो संगत है, हाँ प्रभाव है मानने, क्यों नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो भ्रष्टाचार जो कुछ हो जाता आम तुम भी सुन भी पता जी की कुछ दुनिया तो हो जाए, गुरु जी गए हैं, गुरु जी की बहुत लोड़ है। सब तो वीड्डी तो नशिया के दल के चिट्ठिया के लोग पै गए, जे असी हैं असी अज तक गुरु जी होंगे 5-4 सेवादार मिल के किसी भी 4 नशेड़ का नशा छड़ाते उन्होंने जिंदगी बचती, पर गुरु जी की सानू बहुत लोड़ है कि गुरु जी आवे तो ही सुधार हो सकता, नहीं तो इन्हें होर बढ़ी जाना जी। सर, आप कहते हो कि गुरुजी की समाज को जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया एक के बाद एक खबरें पेश करता है बिना सबूत और बिना गवाह, क्या कहना चाहोगे? मीडिया तो जी देखो हर मीडिया से एको जो नहीं कहते, बिच बकाऊ मीडिया भी है जिन्हें सरकारों तो बिकया होंगे पैसे लेने, उन्होंने सच झूठ का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कलिया वे पैसे तक का मतलब है, उन्होंने गल सच्ची है या झूठी है उसे तक कोई मतलब नहीं, पर जी इंसानियत की गल है बिच कह है मीडिया है जो सच दिखा रहा है, जो चलो मारा करेगा तो परमात्मा जानते हो भुगतना पड़ेगा जिन्होंने। सर, गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया आज तक? समाज के लिए आपने जैसा कि बताया किया है बहुत कुछ, मगर जो मीडिया में एक लाइन आई थी कि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, गुरुजी ने एक फोर्स तैयार करी है, आखिर जनता उसका जवाब जानना चाहती है, किस तरीके की फोर्स थी, क्या कार्य करती थी वो फौज है जो जी? वो बुरा काम करने के लिए नहीं, भलाई का काम करने के लिए है। कोई पानी आ गया, आग लग गई, हम गुजरात में गए जब का 26 जनवरी को भूचाल आया है, कसपुज शहर गिर गया था, मैं गुरु जी के नाल गए खुद उदो, उत्थे सेवा करी मकान उत्थे सेवा, इन्हां चीज़ां दी जो फोर्स है वो उस वास्ते बनाई है, कोई पानी आ गया, अग लग गई, घा कोई भी आफत आ गई, बिल्डिंग गिर गई उहदे विचों बाहर निकला, बन्न टुटे, सारी उन्हां दा काम है जी फौज दा, फोर्स इसलिए बनाई है भलाई दे वास्ते बनाई है। सर, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतनी अच्छी फोर्स बताई है और मतलब इतने अच्छे कार्य करे, उसके बाद भी गुरुजी पे आखिर आरोप क्यों? जनता इस बात का जवाब मांगती है। ये कलयुग दा जमाना जी, कलयुग है, काल एक पासे है तो सतगुरु जी एक पासे है, तो उन्होंने फिर हम टकरार तो पहले गुरुओं के पिछे तो लेके होंगे जी, कोई अज नवा नहीं हो रहा है, जो आप पिछले इतिहास में जाणू करिए पहला भी गुरुओं का बाबे नानक वर्गों भी सब कुछ होया, पिछले गुरु जो भी होए है उन्होंने तकरार होया, इहदा जो गुरु है गए उन्होंने तकरार होना ही होना है, संभव है इहदे विच कोई काल दा आपने काम करना है, गुरुआ ने आपका काम करना है। सर, सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील कर रहे हैं जी, गुरु जी को बाहर लेके आए,
ठीक है, चंगे काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है मीडिया कहता भड़क जाएगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होएगा। गुरु जी कुछ लोग होंगे जो उसको भड़काते हैं, ऐसी बात नहीं, गुरु जी आएंगे, कोई ऐसा नहीं, बढ़िया काम होगा, जैसे संगत होर कर रही है तो भी ज्यादा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा गुरु जी की आज समाज को जरूरत है सिर्फ तीन वजहों से। पहला, ये समाज नशे की तरफ जा रहा है जो कि गुरु जी ने बिल्कुल रोक लगा दी थी। अगर आज गुरु जी होते तो शायद करोड़ों लोग आज 14 करोड़ 6 करोड़ की जनसंख्या जो गुरु जी का नशा छोड़ चुकी है आज 14 करोड़ में तब्दील हो चुकी होती है। नशा करने चाहना जी जो मैं हकीकत हुई है, ये लोग जो कहते हैं कि प्रेमी किसी को नफरत कर दे, नहीं, हमारे 2 महीने पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, महामारी चल रही थी, हमारे गुरु घर है, असि भी उसका सत्कार करते हैं, गुरु घर का भी सारे धर्म का सत्कार करते हैं। उत्थों का जो सेवादार है, उसका एक बच्चा था 6-7 साल का, उसका इतों कंच ला गया, उसको बोला कि इसको PGI जाना है और इसका कहीं सर्जरी नहीं होगी। 1-2 महीने की बात है, जब लॉकडाउन महामारी में कोई नहीं, उसके साथ कमेटी वाला कोई नहीं गया, हम गए PGI में, गए हम 15 साल से PGI में, गुरु की जो हमको सिखाया उसके लाइन में चलते मरीजों के साथ जाते हैं, महीना बिजनल सेवा करते हैं, क्लब के भी मैं समाज में मेरा नाम है, उसके बच्चे के साथ जाके कोई नहीं गया कमेटी वाला, हम गए हैं, हमारे पास आया, हमारे नज़दीक पिंड है, गुरुद्वारे का जो सेवादार होता है, सदा गुरु ग्रंथ की जो देखभाल करता है उसका सेवादार है, उसका लड़का था ग्रंथी, हाँ ग्रंथी है, उसके बच्चे के चोट लगी पर कोई नहीं गया पिंड में, कोई भी कमेटी वाला, हम गए हैं। सारी 2 महीने की बात है, PGI में उसकी सर्जरी करवाई, 3-4 दिन लगे उसको वापस ले आया, तो असं ये नहीं क्या हमने करवाई, सानू गुरु जी ने सिखाया है आप किसी से नफरत नहीं करना चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप गुरु जी की शिक्षा पे चलते हो, बहुत अच्छा कार्य किया है। जरा सोचिए क्या ऐसे समाज की आपको जरूरत नहीं जिसमें आपकी लड़कियां सुरक्षित हों, जिसमें आपका बच्चा सुरक्षित हो और जिसमें आप खुद सुरक्षित हों और आपका जो परिवार से कोई नशा ना करता हो। जरा सोचिए उन घरों के बारे में जिनके यहाँ नशा नहीं होता और वो चैन की नींद सोते हैं, क्या आपको जरूरत नहीं है ऐसे समाज की? बिल्कुल, हर एक देशवासी को जरूरत है और इस देश को, समाज को गुरु जी की जरूरत है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।